लोकसभा चुनावों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पर कांग्रेस का उम्मीदवार फाइनल नहीं होने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने चुटकी ली है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस असमंजस में है कि इन लोकसभा चुनावों में किसे बलि का बकरा बनाए, क्योंकि कोई भी बलि का बकरा बनने के लिए कांग्रेसी नेता तैयार नहीं है। कांग्रेस पहले ये तय कर ले किसको देनी है, 25 साल वाले को देनी है, 40 साल वाले को देनी है, 60 साल वाले को देनी है, 70 साल वाले को देनी है। कांग्रेस असमंजस में है कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए, जिसको बनाना चाहे बना सके। कांग्रेस की इच्छा है किसी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और यहाँ की जनता एक बार फिर मोदी सरकार देखना चाहती है, और हिमाचल का विकास तभी संभव है अगर एक बार फिर दिल्ली में मोदी सरकार आएगी, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी ने दिया, 10,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मोदी जी ने दिए, और इसके अलावा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रेलवे से लेकर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पानी की योजनाएं दी, ये नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को अपना दूसरा घर मानकर दी हैं। इसीलिए कांग्रेस जानती है कि हिमाचल की जनता ने मन बनाया है, और हमीरपुर तो गढ़ है और गढ़ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसीलिए लोग मोदी सरकार को एक बार फिर चुनेंगे, और अगर मुझे एक बार फिर जनता सेवा करने का अवसर देती है तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लेकर आया हूं, आगे विश्वास दिलाता हूं ये भी धरातल पर पूरे इसी समय के अंदर होंगे और कई नए बड़े प्रोजेक्ट आगे से आएंगे। लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। हमीरपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने खेलों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए खेलों को कुचलने का काम करने की बात कही है। एचपीसी मामले में गत दिनों अनुराग ठाकुर को मिली क्लीन चिट पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में प्रदेश का करोड़ों रुपए बर्बाद किया है, और युवाओं को करोड़ों रुपए खेलकूद पर खर्च न होने की बजाय मुकदमे लड़ने के लिए कांग्रेस ने खर्च किए हैं, जिसका जवाब अब कांग्रेस को इन चुनावों में देना है। मामले जो एचपीसीए से जुड़े हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर खारिज हुए। इससे साफ तौर पर पता चलता था कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने केवल बदले की भावना से और खेलों को कुचलने के लिए ये काम किया और प्रदेश का करोड़ों रुपए बर्बाद किया है, तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश के युवाओं से उनके अधिकार छीनने का काम कांग्रेस ने किया खेलों को कुचलकर। मेरे खिलाफ तो भावना थी उनकी प्रताड़ना की, लेकिन युवाओं से जो करोड़ों रुपये उनके खेल कूद पर खर्च किए जा सकते थे वो मुकदमे लड़ने पर खर्च किए गए, क्योंकि उससे लाभ वीरभद्र जी को अपने मुकदमे लड़ने पर भी हो जाता है।